एक रिटायर्ड टीचर झोला छाप डॉक्टर बनकर गांव में क्लिनिक खोलकर इलाज के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। पैसा अटने के चक्कर में इसने गलत इंजेक्शन लगाकर 10 वर्षीय बच्ची की जान ले ली। इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ये हैरान करने वाला मामला अमरपाटन के ग्राम मोहट से सामने आया है, जहां नर्मदा सिंह नाम के रिटायर्ड शिक्षक ने डॉक्टर बनकर गाँव के लोगों को इलाज के नाम पर बेवकूफ बनाकर पैसा अटने का खेल खेल रखा था। इसके चक्कर में 10 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। दरअसल बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए गांव के ही झोला छाप बंगाली डॉक्टर नर्मदा सिंह के पास ले गए। झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची घर जाकर सोई तो फिर उठी ही नहीं। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि झोला छाप डॉक्टर रिटायर्ड शिक्षक है, जो कि अब डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा है। ऐसे में प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। एक बच्ची को लाया गया था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि गांव मगवट में बंगाली डॉक्टर नर्मदा सिंह के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था, जिससे उसको इंजेक्शन दिया गया, जब से उसकी हालत ख़राब है। हालत ख़राब होने के बाद उसको सिविल अस्पताल में पाटन लाया गया, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया और उपचार के दौरान जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर कर दिया गया। गांव में करवाए थे डॉक्टर, मतलब पहले दवाई करते थे, शिक्षक हैं अभी, रिटायरमेंट अभी हुआ उनका, पता नहीं मुझे देखा ही नहीं। तो खाना पीना शायद खाई ना खाई होगी, पता नहीं, सोने चली गई तो सोती रहेगी। जब हम लोग गए, मतलब कि खाना के लिए जगाने के लिए करीबन 6 बजे, तो यहाँ पता चला कि वो उसका एक कंडीशन है। शिवानी प्रजापति। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।